सारसगुन मीडिया में ओएल कमर जुहार। 1932 खुतियान के बारे में मन्नो पूर्व सांसद सलखान मुर्मू जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। झारखंड प्रदेश का गठन बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर 2000 साल को हुआ है। तब से लोगों की इच्छा है, आकांक्षा है कि झारखंड में झारखंडी डोमिसाइल नीति बने, झारखंडी भाषा नीति बने, झारखंडी नियोजन नीति बने। तो हेमंत सोरेन जेएमएम की सरकार ने 2019 साल में जनता को वायदा किया कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय करेंगे, बनाएंगे, लागू करेंगे और उसके आधार पर लोगों को नौकरी या नियोजन दिया जाएगा। लेकिन अभी 23 मार्च 2022 को झारखंड विधानसभा में माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड ने घोषणा किया कि हम 1932 के खतियान के आधार पर झारखंड में स्थानीय नीति नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने पहले इसको रिजेक्ट किया है, फिर से रिजेक्ट करेगा। तो हमारी मांग है, हमने मांग किया है कि हेमंत सोरेन सरकार 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने के वायदे के साथ वोट लेकर कुर्सी में बैठा मुख्यमंत्री बना। अब वायदे को वो मुकर रहा है, वायदे से भाग रहा है, तो जनता के साथ धोखा कर रहा है। तो इसको अभी तुरंत कुर्सी खाली करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, झारखंड में नया चुनाव हो, नया झारखंड बने। और झारखंड के लोगों को चाहिए ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जेएमएम, ना अजसू, सब आदिवासी मूलवासी को एकजुट होकर ना एनडीए ना यूपीए, एक थर्ड फ्रंट बनना चाहिए, नया चुनाव होना चाहिए। झारखंड के आदिवासी मूलवासी का जो सपना था और है अबुआ दिसम रे अबुआ राज, ये अभी भी बन सकता है और आदिवासी संगल अभियान इसको बनाने में योगदान करेगा। और आदिवासी संगल अभियान का जो झारखंड दिसम पार्टी है, ये भी इसमें योगदान करने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन झारखंड में जितने लोग, जो हमारे महान शहीदों का सपना था, सिद्धू मुर्मू बिरसा मुंडा का सपना था, पूर्वजों का सपना था, आंदोलनकारियों का सपना था, उसको सच बनाने के लिए एकजुट होंगे, तो मैं सलखान मुर्मू आदिवासी संगल अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाकी सारे नेता हम लोग मिलकर झारखंड को नया झारखंड बनाना चाहते हैं, क्योंकि झारखंड भारत के सभी आदिवासियों का केंद्र है, गढ़ है। आज बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आजसू या जितनी पार्टियां हैं, झारखंड को बेचने का, बर्बाद करने का काम किया है। तो इस चुनौती को फिर से झारखंडी जनता को एकजुट होकर सफल बनाना है, इसमें हम लोग का योगदान पक्का रहेगा।